390 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन अंबुजा सीमेंट पर भी फोकस किया जा सकता है। मार्केट ओपनिंग के बाद दोनों ही कॉल ऑप्शंस पर एक नजर ली जाएगी। चलिए आपकी स्क्रीन पर आप देखें 17706 पर निफ्टी और कुछ काउंटर्स दिखाइए। ये आशीष ये बताइए इंडियन होटल्स को कैसे अप्रोच करेंगे आप इस नंबर्स के बाद, आज ये टीम में भी शामिल था, अब नया टारगेट क्या निकल के आता है यहाँ पर? बिल्कुल, तो मैंने इसका चार्ट देखा और बहुत ही बढ़िया चार्ट आपके डिस्कशन के टाइम इसको देख रहा था मैं, वीकली मंथली सभी चार्ट थीम पर क्लियरली एक स्टॉक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पकड़ने की तैयारी कर रहा है। रिवेंज ट्रेड जो हर्षदा ने बात की रिवेंज ट्रेड के तौर पर, मैं समझता हूँ यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन मूव मिल सकता है। 245-250 की ट्रेजेक्टरी मैं समझता हूँ इंडियन होटल्स के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। 210 पर एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजिशनल बेट इंडियन होटल्स में ली जा सकती है और यहाँ से करीब करीब 10-15% का मूव शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मैं समझता हूँ इंडियन होटल्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जी मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस जी, प्री ओपन फेज आपके सामने सेटल होते हुए कुछ काउंटर्स लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर पसंद आते हो तो उनको शेयर कीजिए। देखिए मैं समझता हूँ कि मेटल पे ही ध्यान देना चाहिए और मेटल में बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन एनएमपीसी स्पेशली मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्स सेटेंचुरल पैटर्न बन रहा है। मेरा समझ है कि आज नेकलाइन ब्रेक हो जाएगा, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि 200 दिनों का और 100 डे मूविंग एवरेज दोनों ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं। तो एनएमडीसी में खरीदारी करने की राय रहेगी 142 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट ऊपर की तरफ पहला जो टारगेट होगा शायद जी वो करीब करीब 155 रुपए और उसके बाद तो आपको शायद 162 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एनएमडीसी में काफी मूव एक्सपेक्ट करते हुए हमारे मित्र मानस जायसवाल साहब। वीरेन जी, कुछ काउंटर्स जो आपको हल्के निशान में आते हुए दिख रहे हैं, डायरेक्ट साहब लेके आइए सोना कॉमस्टार। यहाँ पर आपको हर्षदा जी ने बताया नतीजे कमजोर थे, ये 3.3% नीचे खुलता हुआ 640। आशीष चतुर्मोता साहब का ये एक बहुत पसंदीदा काउंटर रहा है और दूसरा भी लेके आइए चोला इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी आपको 2.25% का कट दिख रहा है 642। आशीष जी, आपने अक्सर यहाँ पर राय दिए लॉन्ग साइड पर, कौन से बाय ज़ोन्स दिखेंगे जहां पर इन काउंटर्स को ऐड किया जाए? बिल्कुल, तो शैल जी मेरे हिसाब से 610-615 की ट्रेजेक्टरी एक अच्छी सपोर्ट जोन के तौर पर देख रही है और हमने वीकली और मंथली चार्ट पर भी देखा 600 रुपए पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना है क्योंकि यही सपोर्ट आज से 2-3 महीने पहले भी हमने देखा था। तो 600 का इवेंचुअली एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 610-615 की ट्रेजेक्टरी में एक बाय ट्रेड मेरे हिसाब से सोना कॉम्स में लिया जा सकता है। बैटरी पर ईवी पर जिस तरह की कमेंट्री बजट की आई है मैं समझता हूँ डिप्स में इसके अंदर में खरीदारी देखने को नजर आएगी और इवेंचुअली मेरा मानना है कि 750 रुपए तक के लक्ष्य आने वाले 2-3 महीनों में सोना कॉम्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। राजेश सतपुते जी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज कल आपने क्लोजिंग में पिक किया था, बहुत अच्छा चला था कल वो और अभी भी अगर देखेंगे अच्छी ओपनिंग के